आदिवासी विरोधी एवं विकास विरोधी गतिविधियों को लेकर बस्तर के युवक और युवतियों ने माओवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बस्तर तमाटा अभियान के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर अपने विचार रखे और माओवादियों द्वारा लोगों को परेशान करने की बात कही गई। नक्सल प्रभावित बस्तर के युवक युवती आईजी सुंदरराज पी और पुलिस अधीक्षक दीपक झा से मिलने जगदलपुर पहुंचे। मुलाकात के दौरान भारी माओवादी नेता के इशारे पर दक्षिण बस्तर क्षेत्र में निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों द्वारा प्रताड़ित करने, जन सुविधा के लिए बनाई गई सड़क पुल पुलियों को क्षतिग्रस्त करने, माओवादियों के अन्य विकास विरोधी एवं जन विरोधी हरकतों की निंदा करते हुए इन युवाओं ने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने बताया कि नक्सली हमें पड़ने नहीं देते, हमको नक्सलवाद को खत्म करना है, लोगों को जागरूक करना है। जब हम पढ़ेंगे और रोजगार मिलेगा तभी वह अंधेरी सुरंग से बाहर आ पाएंगे और यहाँ से जाकर हम गांव में लोगों को जागरूक भी करेंगे। नक्सलीवाद जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते, घर सबको तोड़ते हैं, लोगों को भी बहुत पीटते मारते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि ये सब हो बोल के, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नक्सलवाद जल्द से जल्द खत्म हो और लोगों को भी ऐसा लगे कि ये नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। 12वीं का मैं क्लास स्टडी कर रहा हूँ, तो अभी आगे अभी पढ़ना ही है, तो हम देखते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा इन नक्सलवादों के द्वारा, तो हमें इस नक्सलवाद को ख़त्म करना है, तो देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलवाद ख़त्म करना है और लोगों को जागरूक करना है कि हम आगे बढ़ना है, और लोग जो नक्सलवाद हैं वो अंधेरे की ओर जा रहे हैं तो उनको हमें आगे लाना है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर की पहचान नक्सलियों से नहीं होनी चाहिए, बस्तर की पहचान यहाँ की वादियों से होना चाहिए। नक्सलवादियों ने विगत 20 वर्ष में 1700 से अधिक ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर ग्रामीण आहत हैं। हमने भी इन बच्चों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा जल्दी ही नक्सलवाद की समस्या सुलझा ली जाएगी। बच्चे युवा युवतियाँ लगातार पुलिस के पास आते हैं और पुलिस के समक्ष अपना विचार रखते हैं, क्षेत्र की परिस्थिति है, क्षेत्र की समस्या के बारे में भी जानकारी देते हैं और उसके माध्यम से हम आगे क्या कार्य योजना होना चाहिए, इन क्षेत्र के विकास के लिए, इन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, इस दिशा में लगातार हम लोग काम करते थे। आज इस कार्यक्रम के तहत हमारे बीच बस्तर क्षेत्र के युवा पीढ़ी है, खासतौर पर जो अंदरूनी इलाका का बालक बालिका है और युवा वर्ग है, आकर हम लोग के समक्ष अपना बात रखे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने विचार विमर्श किया है। इन लोगों का मंशा ये है, बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र का पहचान है जो नक्सलवाद से नहीं होना चाहिए, दूसरे जो कारण से जैसे इधर के जो समृद्धि है, इधर के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इधर की जो इतना जो सौंदर्य है, इन सब नाम से बस्तर का पहचान होना चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।